अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी जेली पुडिंग। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए पहले हम जेली बना लेंगे। 400 ml पानी लेंगे, जेली क्रिस्टल्स लिया है हमने स्ट्रॉबेरी के, 500 ml लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में लेकिन हम 400 लेंगे, हमेशा 100 ml कम लेना है आपको। 400 ml पानी उबाल लेंगे, जेली क्रिस्टल्स की पैकेट को खोलना है और दोनों पैकेट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जेली क्रिस्टल्स हम उबलते हुए पानी में डाल लेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे पकने देंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। जेली थिक हो चुकी है, अब हम इसे अपने पसंद के ग्लास या बाउल में डाल लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम मिल्क का लेयर बनाएंगे। 1 1/4 कप हमने दूध लिया है, 4 टेबलस्पून हम इसमें शक्कर डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। 1 पिंच वैनिला पाउडर डाल लें, येलो फूड कलर डाला है हमने, आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम चाइना ग्रास बनाएंगे। पहले दूध को ठंडा होने रख देंगे। आधा कप पानी में 5 ग्राम हमने चाइना ग्रास को सोक कर लिया है 5 मिनट के लिए। इसके बाद इसे हम 1 कप पानी में उबाल लेंगे। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब ये चाइना ग्रास तैयार है। अब हम इसे छान लेंगे चाइना ग्रास के मिक्सचर को। अब डायरेक्ट दूध में भी डाल सकते हैं या इसे अलग से छान कर भी दूध में डाल के मिक्स कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हम दूध के साथ में मिक्स कर लेंगे। आधे घंटे के बाद जेली सेट हो चुकी है। इसके अंदर हम ये दूध का मिक्सचर डाल लेंगे। इसे आधे घंटे के लिए हमें फ्रिज में रख लेना है। आधे घंटे के बाद आप इसे डीमोल्ड कर सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। जेली पुडिंग तैयार है। इसे चिल कीजिए, सर्व कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।